एक और न्यू कंप्लेंट को विजिट किया। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर का कंप्लेंट था कि उनके वर्लपूल स्प्लिट एयर कंडीशनर में लो कूलिंग का इशू आ रहा था। तो हम लोगों ने बगैर टाइम वेस्ट किए कस्टमर के घर को विजिट किया और प्रॉपर तरीके से कस्टमर के एयर कंडीशनर को हमने जब चेक किया, एम्पीयर मीटर वगैरह लगा के लोड वगैरह हमने चेक किया, तो पता चला उसमें वाकई में गैस की प्रॉब्लम थी। और हमने बगैर टाइम वेस्ट किए हुए कस्टमर को एस्टिमेट दिया और अपना काम हमने शुरू कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो ये वर्लपूल का आउटडोर है और ये हमने अभी कंप्रेसर वगैरह ऊपर रख रखा है और इसी कंप्रेसर से हम लोग इसके अंदर प्रेशर वगैरह स्टैंड करेंगे। एज ए कस्टमर जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट का रहने वाला है और एज ए एसी टेक्नीशियन भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये उनके लिए भी बेनिफिट ही रहेगा। तो दोस्तों अगर हम काम की बात करें तो दोस्तों अगर जिन भाइयों के पास नाइट्रोजन सिलेंडर है तो वो नाइट्रोजन से भी प्रेशर वगैरह स्टैंड कर सकते हैं और नाइट्रोजन वगैरह ना हो तो प्रेशर कंप्रेसर से भी हम लोग प्रेशर वगैरह स्टैंड कर सकते हैं दोस्तों। और मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन यूज़ ना करें तो ही बेहतर रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और कई हादसे भी उसके कारण हो जाते हैं नाइट्रोजन सिलेंडर से, तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन सिलेंडर का यूज़ नहीं करते और हम लोग कंप्रेसर का ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने कंप्रेसर से प्रेशर वगैरह 250 से 300 के बीच में हमने स्टैंड कर दिया और अब हम लोग चलते हैं इंडोर के अंदर। या दोस्तों अब चलते हैं इंडोर के तरफ और चेक करेंगे कि इंडोर के तरफ किधर से लीकेज हुई है। अभी आप देख सकते हो घड़ी में मैंने आपको दिखाया कि 250 से 300 प्रेशर स्टैंड कर दिया था हमने दोस्तों, और ये कंप्रेसर है जिससे हमने अभी कंप्रेसर से प्रेशर भरा था। तो चलते हैं इंडोर की ओर और आगे आगे आप इस वीडियो में देखते रहना कि इस वीडियो में क्या क्या होता है दोस्तों। ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो इधर बिखरे हुए हैं और ये अभी हमने स्प्लिट इंडोर को हमने खोल रखा है ऑलरेडी हमने इसको खोल रखा था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो सके दोस्तों। तो ये अभी हमने प्रॉपर तरीके से इंडोर को खोल रखा है और जो इसकी कूलिंग कॉइल्स होती हैं उसको हमने बॉडी से भी डिसमेंटल कर रखा है, थोड़ा सा बाहर कर रखा है ताकि जिधर भी कॉइल की तरफ लीकेज हो वो हमें दिख जाए और देन उसके बाद हम लोग कॉपर से ब्रेजिंग वगैरह कर दें उसकी। तो अभी आप देख सकते हो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है दोस्तों और वहाँ से हमने जब चेक कर लिया तो हमें इंडोर में कहीं पे भी लीकेज नहीं मिला। देन हम लोग वहाँ से हटके आउटडोर में हम लोग चेकिंग करने के लिए आ गए दोस्तों। तो अभी प्रेशर वगैरह तो स्टैंड है ही, अभी आप देख सकते हो कि हाफ और क्वार्टर के जो वाल होते हैं जिस जगह से हम लोग गैस चार्जिंग करते हैं उसी जगह से बिल्कुल जड़ में लीकेज की प्रॉब्लम है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग, और कस्टमर को हमने देन उसके बाद का एस्टिमेट बताया और अपना काम हमने शुरू कर दिया। और ये भी आप देख सकते हो ये अभी आउटडोर को हमने खोलना स्टार्ट कर दिया है और आउटडोर को खोलकर और इसके अंदर का जो दो हाफ क्वार्टर का जो वाल होता है वो दोनों हम बाहर निकालेंगे, देन हम उसको रिप्लेस करेंगे। और आप इस वीडियो में बने रहना और देखते रहना आगे इस वीडियो में क्या क्या होता है। एक और पेज है क्या? चल ठीक है। हाथ में रख फोन, हाथ में रख कि खास पकड़ लेना, फोन ही रख लो नीचे रख उसको, पेज को भी दिखा दे। और फाइनली दोस्तों हम लोगों ने आउटडोर के फ्रंट के कवर को हटा दिया, देन उसके बाद जो भी फ्लेयरिंग पाइप जो होते हैं हापर क्वार्टर के उसे भी हमने खोल दिया दोस्तों। और खोलने के बाद अब हम लोगों का काम रहा है कि जो इसके हापर क्वार्टर के वाल्व हैं उनको हम लोग ने बाहर निकालना है ताकि हम लोग न्यू उसके अंदर इंस्टॉल कर सकें दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, हम लोगों ने इसके पाइप वगैरह को खोल रखा है और हमने इसको वाल्व वगैरह को हमने खोल दिया। हमारे पास यार इसका टाइम नहीं मिल पाया कि खोलते वक्त ही मैं आपको वीडियो दिखा दूं दोस्तों, बहुत टफ था इसको खोलना लेकिन ये खुल गया प्रॉपर तरीके से। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपने नियर बाय स्पेयर शॉप पर जहाँ पे हम लोगों ने ये वाल्व बाय करने हैं और देन बाय करने के बाद हम लोग दोबारा रिटर्न आएंगे, इसके अंदर वाल्व वगैरह इंस्टॉल करेंगे। तो वाल्व हमें मिल गया दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये वाल्व है, ओल्ड वाल्व मेरे हाथ में आप देख सकते हो और ये न्यू वाल्व भी आप मेरे हाथ में देख सकते हो दोस्तों। तो ये वाल्व में थोड़ा सा फ़र्क है कि रोटेशन का जो कॉपर की पाइप होती है उनका फ़र्क है बस। तो हम लोग वहाँ से कॉपर की वाल्व वगैरह जो भी होता है वो ले आए और देन उसके बाद हम लोगों ने इंस्टॉल भी कर दिया और इस चीज़ का भी हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसका वीडियो दिखा दूँ लगते वक्त की दोस्तों। तो ये अभी वाल्व वगैरह हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, अभी आप देख सकते हो
और देन फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से इसके अंदर प्रेशर वगैरह एक्सटेंड करना है दोस्तों, ताकि जो भी हमने ब्रेजिंग वगैरह की है, वाल्व वगैरह लगाया है, दोबारा उस जगह पे लीकेज वगैरह हो तो उसे हम लोग दोबारा ब्रेजिंग यानी रिपेयर कर दें दोस्तों। तो बस अभी आप लोग इस वीडियो में देखते रहना आगे क्या क्या होता है। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें चेक करी तो प्रेशर वगैरह हमारा सारा ठीक था, वाल वगैरह हमारा ओके तरीके से लग गया और हमने आउटडोर का कवर वगैरह भी फिट कर दिया। और देन फाइनली हम लोगों ने वैक्यूम वगैरह करके दोस्तों गैस चार्जिंग के प्रोसेस पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो, ये भी सकते हो, हम लोगों ने अभी सिलेंडर वगैरह लगा रखा है और कंप्रेसर का ऑन होने का वेट कर रहे हैं दोस्तों। जहाँ दोस्तों कंप्रेसर जब ऑफ हो तब भी हम लोग गैस चार्जिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को वेट मशीन रखना पड़ेगा। जितना भी एयर कंडीशन में गैस डलता है उस हिसाब से हम लोगों ने वेट मशीन से गैस डालना है, अगर हम लोग एसी को ऑन नहीं करते हैं तो। लेकिन हम लोगों ने एसी ऑन करके ही गैस चार्जिंग किया प्रॉपर तरीके से, वो अब ठंडा भी कर रहा है दोस्तों। और ये भी आप देख सकते हो नीचे सिलेंडर वगैरह नीचे रखा हुआ है, और ये अभी हमारा पार्टनर अब इसके नोजल्स को, नोजल जो होता है जिस तरफ से गैस वगैरह चार्जिंग होती है उस जगह का वो कैप वगैरह लगा रहा है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो इस वीडियो में, और ये हमारे पार्टनर ने इसके कैप वगैरह को लगा दिया है और आउटडोर प्रॉपर तरीके से चल रहा है, और इंडोर भी प्रॉपर तरीके से अब हम लोगों ने फिट करना है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ कवर वगैरह बाहर खोल के रख रखा था और एसी हमने चालू कर रखा था। तो एसी अब प्रॉपर तरीके से कूलिंग कर रहा है और बहुत ही दमदार कूलिंग है जैसे हम लोग कमरे के अंदर एंटर किए तो दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो, ये अभी मैं जो भी पेज वगैरह जो भी स्क्रू वगैरह थे अब हम दोबारा इसके अंदर टाइट वगैरह कर। तो इस वीडियो में आप लोग देखते रहना दोस्तों कि हम लोग इंडोर की कैसे कैसे पेज वगैरह अपने स्क्रू ड्राइवर से टाइट वगैरह करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहना। नीचे के पेज तो लगा देते हैं नीचे वाले। और ध्यान रहे दोस्तों एक बात का, जब भी आप लोग ये फ्लैप कवर लगाते हैं तो इसके जो जो दो साइड के लॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूटने का ख़तरा होता है, और नए टेक्नीशियंस से यही गलती होती है कि वो लोग इसके साइड लॉक्स को तोड़ देते हैं दोस्तों। तो उसको ध्यान से हम लोगों ने करना है। और इस वीडियो को एज ए कस्टमर जो भी देख रहे हों अगर, तो वो लोग अगर हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो वो लोग हमसे सर्विस ले सकते हैं। हम ओनली फॉर दिल्ली NCR गाज़ियाबाद में ही वर्क करते हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा है दोस्तों तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।